परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमाद्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रसिद्ध के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से इस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है।